स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है तो फेमस एक्टर जो आज हमारे बीच में नहीं है, राजीव कपूर के बारे में। ये तो सभी को मालूम है कि हमेशा ही कपूर फैमिली सुर्खियों में बने रहते हैं। करीना कपूर हो, राज कपूर हो, पृथ्वीराज कपूर हो, रणबीर कपूर हो, चाहे कोई भी हो, तो वहीं पर अब राजीव कपूर की बात हो रही है क्योंकि उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी है और उनकी डेथ एनिवर्सरी 9 फरवरी को थी। जी हाँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जहाँ पर लता के गम में लोग डूबे हुए हैं, वहीं पर अब राजीव कपूर को याद करके सबकी आंखें बार फिर नम हो गई है। क्योंकि राजीव कपूर का करियर, उनकी मेहनत, उनका स्ट्रगल हमने 90 के दशक में देखा ही है, लेकिन अब यहाँ पर करीना कपूर खान हो गई और साथ ही साथ करिश्मा कपूर, नीतू कपूर सभी उनको याद करते हुए नजर आ गए। क्योंकि पहले ऋषि कपूर को खो दिया, फिर राजीव कपूर को खो दिया, तो इस बात का गम कपूर फैमिली लगातार झेलती हुई नजर आ रही है। और कपूर फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज थी लता मंगेशकर जी, उनको भी खोने के बाद अब कपूर फैमिली टूट चुकी है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि राजीव कपूर ने इतनी सारी फिल्में की है जो आज के टाइम पर भी काफी ज्यादा फेमस है। उनकी फिल्म तो आपको याद ही होगी, राम तेरी गंगा मैली। जी हाँ, इस फिल्म में तो उन्होंने क्या रोल किया था, क्या धमाकेदार एक्टिंग की थी, इसको देखकर सारे फैंस उन पर फिदा हो गए थे। यहाँ तक कि लड़कियां तो वो पूरी तरीके से उन पर लट्टू हो गए थे और ये चीज उनको काफी ज्यादा भाई थी। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, फिर भी लोग उनको काफी ज्यादा याद करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ बात आपको ये भी बता देते हैं कि कुछ ऐसे उनकी जिंदगी के राज थे जो शायद आप सुनेंगे तो शायद आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो ये जानने के लिए आप इस रिपोर्ट में बने रहिएगा। बता दें कि मशहूर निर्माता राज कपूर के बेटे और राम तेरी गंगा वैली स्टार अभिनेता राजीव कपूर का 9 फरवरी 2021 को 58 साल की उम्र में निधन हो गया था। राजीव कपूर का निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ था। आज अब उनकी पुण्यतिथि थी, इस मौके पर कपूर परिवार के तमाम लोग राजीव कपूर को याद करते हुए नजर आए हैं। करीना कपूर, करिश्मा कपूर, अरमान जैन और नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर एक एक पोस्ट शेयर कर राजीव कपूर को याद किया है। करिश्मा कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक थ्रोबैक स्टोरी शेयर की है जिसमें राज कपूर के साथ राजीव कपूर, ऋषि कपूर और रणवीर कपूर नजर आ रहे हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि गार्डन एरिया में राज कपूर एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके तीनों बेटे उनके पास ही खड़े हैं। तस्वीर के साथ करिश्मा कपूर ने लिखा, चिंपू अंकल आपकी याद आ रही है। करिश्मा कपूर द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर को करीना ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर रीशेयर कर राजीव कपूर को याद किया है। बता दें कि राजीव कपूर का निकनेम चिंपू था। नीतू कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में राजीव कपूर और ऋषि कपूर दोनों ही नजर आ रहे हैं। तस्वीर में दोनों के चेहरे पर शानदार स्माइल है। इस तस्वीर के साथ नीतू कपूर ने बताया कि वह राजीव और ऋषि कपूर को बेहद याद कर रही हैं। राजीव कपूर की बहन रीमा जैन के बेटे अरमान जैन ने भी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वे अपने मामा राजीव कपूर के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में मैं राजीव के गाल में किस करते नजर आ रहे हैं, तो तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, हम आपको याद करते हैं और आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं चिंपू मामा। राजीव कपूर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म एक जान है हमसे की थी। ये फिल्म पर्दे पर फ्लॉप रही, लेकिन इसमें राजीव के किरदार को लोगों ने बेहद पसंद किया। इस फिल्म में राजीव ने बॉलीवुड में एक अभिनेता के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया था। इसके बाद वह राम तेरी गंगा मैली, लवर बॉय, अंगारी, जल चला, शुक्रिया, हम तो चले परदेश जैसी फिल्मों में नजर आए थे, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है और चीज़ का गम उनके परिवार को बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है। तो साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि राजीव कपूर एक बहुत ही शानदार एक्टर थे। वही रिपोर्ट कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।